एंजाइम स्टेबलाइजेशन बाय प्रेशर बायोसेंसर की फैब्रिकेशन में एंजाइम इमोबलाइजेशन जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा उसकी स्टेबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है अगर इमोबलाइजेशन के दौरान एंजाइम अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है तो दैट एंजाइम इज नो गुड फॉर अस देर आर डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज आर यूज टू स्टेबलाइज दमेशन इनमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी दैट इज द मोस्ट सिंपलस्ट स्ट्रेटेजी इज द यूज ऑफ

then these enzyme won't be able to act. The enzymes act optimum acts uh, optim, enzyme act at their optimum pressure, temperature and pH values. अगर हम इन enzymes की इन conditions को change कर दें तो enzymes की activity में भी तब्दीली वाक्य हो सकती है Enzymes की pressure के under stability को काफ़ी अरसे से कंसिडर किया जा रहा था

प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टर स्ट्रक्चर सेकेंडरी और क्वार्टर स्ट्रक्चर दे आर बेस्ड ऑन दीक फोर्सेज दीज वीक फोर्सेज आर हाइड्रोजन स्पॉन्ड वंडरवाल फोर्सेज एंड सॉल्ट ब्रिजेस प्रेशर से इन फोर्सेज में तब्दीली आ जाती है ये तब्दीली कुछ एक्सटेंड तक एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर भी बना सकती है इम्प्रूव भी बना सकती है लेकिन कुछ केसेस में ये एक्टिविटी ये प्रेशर एंजाइम एक्टिविटी को लूज कर सकता है इसका मतलब है कि प्रेशर प्रेशर इफेक्ट्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट एंजाइम। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंजाइम लेवल ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ पीएच और टेम्परेचर ऑन विच द प्रेशर इज अप्लाइड कुछ केसेस में इट इज बेटर टू अप्लाई द प्रेशर बट इन सम केसेस इट कुड बी अ डिजास्टर अच्छा अब उन केसेस में जहां हमने ये कहा कि ये दीज वीक फोर्सेस कुड बी इफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड कैन इंप्रूव द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और द स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड वो कौन सा ग्रुप है जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज द अमाइड ग्रुप इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कार्बोनाइल्स एंड वाटर ये अमाइडो ग्रुप इस अमाइडो ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द प्रेशर द प्रेशर इज द लेवल और द डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिड्यूस्ड और शॉर्टनड ये शॉर्टनिंग जीरो से जीरो पॉइंट वन वन एनेस्ट्रॉम तक हो सकती है एंड द लेवल ऑफ रिडक्शन और द शॉर्टनिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन यानी कि किस पोजिशन पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पर यह कितना इफेक्ट करेगा ज्यादा इफेक्ट लार्ज टर्न्स में आ सकती लार्ज रिडक्शन इज इन दर्स वाइल दिडक्शन इज इन दर्ज ऑफ दल्फा नाउ वी विल सी वॉट टाइप ऑफ दोज एंजाइम्स ऑन विच द प्रेशर स्ट्रेटी वर्कड वो कौन से एंजाइम्स है जिन पर प्रेशर स्ट्रेटी ने वर्क किया हमारे पास दो एंजाइम्स एग्जाम्पल है पहले एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज और दूसरा एंजाइम पोलिफिनोल ऑक्सीडेज है हाई प्रेशर की वजह से इट बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रमोटेड, वाज़ इंक्रीज़ इन दी देर वॉज एन इंक्रीज इन दानाटिक पैरामीटर्स एंड देर वर डेफिनेटली सम चेंजेस इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स फीनोल पर फिनोल पर इज अ प्लांट एनजाइम्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाई अ नंबर ऑफ प्लांट एंड It is responsible for the browning of the fruits once the pressure is applied on the phenol peroxidase, there was an improvement in the biological activity and stability of the molecule. three-dimensional structure ka analysis kiya gaya, so we found out that there was a loss in the alpha helix content of the enzyme this, beta sheet or beta random coil, mein bhi dekhi the two important aromatic amino acids. ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन एक्सपोज्ड टू लेस हाइड्रोफोबिक इसी तरह सरफेस पर एसएच ग्रुप कंटेंट इंक्रीज हो गए ये तमाम की तमाम चेंजेस इस मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्टेट को तब्दील की की, की वजह से हुई और इसके नतीजे में एंजाइम की स्टेबिलिटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इजाफा हुआ दिस सेकेंड एंजाइम इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक कॉमन एंजाइम है

there were some changes were observed in the three dimensional structure which leads to the improvement in the stability and biological activity of the molecule the helical content of the molecule was lost to some extent and the position of tryptophan which is visible in purple in this slide was also changed and these changes improved the stability and biological activity of the molecule now we can say pressure is a force which could be applied for the improvement of the biological activity and stabilization of the molecules but we have to optimize the conditions it has different effects on different enzymes optimum pressure has been used for the positive impact on glucose oxidase, glucose oxidase and polyphenol oxidase activity there were some changes were observed in the three-dimensional structure which helped to stabilize the enzyme.